to you by Independence. कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा हमेशा सामाजिक न्याय के संदर्भ में दिया जाता है। लेकिन अगर ये नारा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या वाले राज्य यानी कि जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी हैं। अब तक आजाद भारत में 15 प्रधानमंत्री रहे, जिसमें से 9 उत्तर प्रदेश ने दिए। तो ऐसे में यूपी वाले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो उसमें देश के पहले यानी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल है। और हम आपको देश की 78वें आजादी के इस पर्व पर बताएंगे कि आखिर इन प्रधानमंत्रियों की कहानी क्या है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इलाहाबाद के आनंद भवन में रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार चुनाव लड़े तो उन्होंने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट को चुना, जो 1957 में सीट का नाम बदलकर फूलपुर किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ अकेले नेहरू सांसद नहीं बने, बल्कि फूलपुर के सीट से उनके साथ मसूरियादीन भी संसद पहुंचे। अब आप कहेंगे ये क्या झोल है, लोकसभा की सीट एक और सांसद दो। जी हाँ, 1960 से पहले ये व्यवस्था थी कि किसी लोकसभा सीट से कम 3 प्रतिनिधि तो भेजे ही जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। ऐसे में फूलपुर की सीट से जब नेहरू चुनाव लड़ा करते थे तो नंबर 2 पर आने वाले मसूरियादीन भी संसद जाया करते थे, बतौर प्रतिनिधित्व करते थे वहां पर जाकर। और तो और उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू का रनिंग पार्टनर भी कहा जाता था। 1952 के पहले जब नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ करपात्री महाराज ने भी मोर्चा खोला था। हिंदू कोडविल से नाराज करपात्री महाराज ने जबलपुर के रहने वाले चिराऊ महाराज को नेहरू के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। चर्चा खूब हुई लेकिन चुनाव जीते नेहरू। इस तरीके से 1962 में फूलपुर की सीट पर नेहरू के खिलाफ राम मनोहर लोहिया लड़े। कहा जाता है कि दिग्गज समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं आपके पहाड़ जैसे चुनाव में दरार पैदा कर दूंगा। इसके जवाब में नेहरू ने लिखा, मैं चुनाव में नामांकन के बाद फूलपुर में प्रचार के लिए नहीं आऊंगा। हालांकि लोहिया ने ऐसा जमीनी माहौल बनाया कि नेहरू को चुनाव प्रचार के लिए आना ही पड़ा और अंत में नेहरू जीत गए। चुनाव के इतर नेहरू के राजनैतिक जीवन की बातें हमेशा लोगों को लुभाती हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमें सुनाया भारत के प्रधानमंत्री किताब लिखने वाले पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने, जब नेहरू ने यूपी के उस वक्त के मुख्यमंत्री सीपी गुप्ता के साथ सियासी रंजिशें खाने की टेबल पर दूर की। और एक बार सीपी गुप्ता साहब जो चंद्रभान गुप्ता जो थे बड़े नाराज हो गए थे जवाहरलाल नेहरू से, तो जवाहरलाल नेहरू उनको बनाने लखनऊ आए और बड़े दिलचस्प घटनाक्रम ये हुआ कि उन्होंने उनके जमाने में वहां के बड़े मशहूर शेफ मतलब खाना बनाने के उसके पाकशास्त्र में बड़े विधि का जो उनको बाद में पद्म विभूषण भी मिला इम्तियाज शेफ इम्तियाज को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि कुछ आप ऐसा खाना तैयार करिए कि गुप्ता जी का मिजाज ठीक हो जाए, थोड़े वो गुस्से में है और नाराजगी उनकी दूर हो जाए। तो शेफ इम्तियाज ने खाना बनाया और जैसे ही गुप्ता जी खाने के ऊपर आए और प्रधानमंत्री का की तरफ से भोज था तो वो देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नाम लेके बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल ये आपने क्या करा, मैं तो शाकाहारी हूँ और यहाँ पर आपने क्या चीजें सब बना के रखी हुई है। उन्हें ऐसा लगा कि ये सब नॉनवेज डिशेज है, लेकिन शेफ इम्तियाज ने उनको बताया और नेहरू को कि ये तमाम चीजें जो है जो उनको मुर्ग मुसल्लम और कबाब और दुनिया भर की चीजें नजर आ रही है ये सब ये गोभी कटहल कद्दू इससे बनाया गया है। तो उसको लेके फिर गुप्ता जी को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने खाना खाया और उससे जो गर्मी और जो नाराजगी या गुस्सा जो था वो उनका थम गया। ये रहा यूपी वाले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।